नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की ये वीडियो है, इसमें जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये दोस्तों आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी मॉस्को एंड ऑप्शन डी ब्राजील। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जो ओलंपिक खेल होंगे उनका आयोजन टोक्यो में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टोक्यो। टोक्यो दोस्तों जापान में एक स्थित शहर है, जहां पर 2020 में जो ओलंपिक खेल होंगे उनका आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब महासागर एंड ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज एंड ऑप्शन डी है दोस्तों आपका हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी हॉकी। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है। दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शंस हैं कुशीनगर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सांची एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है। निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का जो है वो लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और सीस्मोग्राफ के अतिरिक्त रिएक्टर स्केल से भी भूकंप की तीव्रता जो है दोस्तों मापी जाती है। यहाँ पर लैक्टोमीटर की बात हुई है दोस्तों, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन है आपके 15 अगस्त 1919, ऑप्शन बी है 19 जून 1919, ऑप्शन सी 20 जून 1920 एंड ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के लिए, जहां पर जनरल डायर ने भारत के जो लोग कुछ जलियांवाले बाग में सभा कर रहे थे उनपे निहत्थे लोगों पे गोली चला दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन है आपके दोस्तों ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध, ऑप्शन बी मलाया, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका कोचीन, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक महान का अंतिम युद्ध था कलिंग का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, कलिंग के युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए धारण कर लिया था, उसके बाद में युद्ध ना लड़ने का फैसला किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कलिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, DRDO MTS एग्जाम, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, RPF, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSC GD में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, ये जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए, और आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। अगर कुछ डाउट हो आपके लिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।